अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिराद रोज के हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी खबरें कुवैत से आ रही हैं निकल गए, तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बड़ी खबर आ रही है निकल कर, बहुत सारे लोग जो है वीज़ा के हवाले से मालूम कर रहे हैं कि भाई मीटिंग हुई, वीज़ा का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी वीज़ा का कोई भी अपडेट नहीं है। अब जो है आने वाले वक्त में हो सकता है 10-15 दिन या फिर 5 दिन, जो भी अगली नेक्स्ट मीटिंग होगी, जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो अभी भी बंद है और उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और किसी भी तरीके से अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस टाइम पर आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी बड़ी खबर है और ये बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ का धोखा खा रहे हैं। और वो धोखा ये है, अपना सिविल आईडी भूल गए किसी भी तरीके से कहीं पर भी या फिर घूमने फिरने जा रहे हैं लेकिन सिविल आईडी अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा भाइयों, क्योंकि अगर आप सिविल आईडी अपने साथ नहीं लेके जाएंगे तो आपको कहीं पर भी चेकिंग में पकड़ा जा सकता है और उसके बाद आप पर कार्रवाई की जा सकती है। जब तक आपका सिविल आईडी आपका प्रूफ आपके साथ में नहीं होगा, कहीं पर भी बाहर ना निकलें। ये आपकी गलती है और इस गलती का भुगतान आपको बहुत भारी भी करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के हवाले से बहुत इस टाइम पर जो है बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपना नशीली दवाइयाँ नशीले सामान लेके जाते हैं। तो एयरपोर्ट पर भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। चेकिंग जो है कस्टम डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चेकिंग कर रहा है और ध्यान रखा जा रहा है इस टाइम पे। अगर आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, जो भी रूल रेगुलेशन है कहीं के भी उनको फॉलो करते हुए ट्रैवल करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।